उन्होंने कहा गोविंद सिंह लाहौर, चिट्ठी लिखने वाले ने कहा तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं कि तुम लाहौर की नेतागिरी बंद कर दो। क्या गोविंद सिंह की लाहौर की नेतागिरी बंद करना चाहिए? जोर से बताओ करना चाहिए। फिर आगे लिखा है तुम्हारी मौत नजदीक है, इसी चिट्ठी में लिखा है आगे की लाइन, तुम हर नेता पुलिस के बड़े अधिकारी की शिकायत कर रहे हो, अब तुम्हारे दिन खत्म हो गए, जल्दी सुधार जाओ वरना मौत के लिए तुम तैयार हो। ये कानून का राज है, ये सरकार का राज है। क्या मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी की सरकार है? क्या मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है? क्या मध्य प्रदेश में जनता से चुनी हुई सरकार है कि ये सरकार माफियाओं की सरकार है? अरे जहां देखो वहां माफिया राज है। प्रदेश में रेत माफिया नंबर वन, शराब माफिया नंबर वन, खनिज माफिया नंबर वन, शिक्षा माफिया नंबर वन, अब राजनीतिक माफिया है। राजनीतिक माफिया जो प्रत्याशियों का भरण करता है, विधायकों को खरीदता है, राजनीति में लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या करता है, जगह जगह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को यातना देकर बीजेपी ज्वाइन कराता है। जो कायम थे वो ये राजनीतिक माफिया बीजेपी में ले गया, और जो बहादुर थे वो आज यहां उपस्थित है, लड़ रहे हैं। प्रदेशवासियों, लाहौरवासियों, पत्रकार बंधुओं, इस प्रदेश में माफियाओं का राज के खिलाफ जंग लड़नी चाहिए या नहीं लड़नी चाहिए? अरे मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बने, कोई जनता से चुने हुए मुख्यमंत्री नहीं है, वोट मिला था बीजेपी को और शिवराज जी को और लाडली भेना को, डाक साहब हारे लाडली भेना से। आपने मोहन यादव जी ने विधानसभा में कहा कि रामायण और गीता जैसा वचन पत्र है, उसमें था 3,000 बहनों को देने की बात, उसमें था 3100 के धान के दाम की बात, उसमें था 2700 के गेहूं की, 2700 के गेहूं की बात, उसमें था 450 के गैस सिलेंडर की बात, एक भी पूरी हुई? अरे एक भी पूरी हुई? ये काम नहीं करना है, तो बोला वो करना ही नहीं है। करना क्या है? बदला लेना है, बदला खुद की सरकार चलाना है। बदला किससे लेना है? जो कांग्रेस की है। चाहे आज 9 तारीख को लाहौर में जंगी प्रदर्शन है, लेकिन 6 तारीख को भी आज से 3 दिन पहले जीतू पटवारी जी, अरुण यादव जी इंदौर में भी इंदौर की जनता के लिए भाजपा के भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, वहां भी मार्च कर रहे थे, वाटर कैनन चली थी, लेकिन वो वहां नहीं रुके। अगले दिन 7 तारीख को युवा कांग्रेस के माध्यम से छतरपुर में जीतू पटवारी जी, मिलेंद्र सिंह जी सब लोगों ने वहां प्रदर्शन किया था। अगले दिन 8 तारीख को, जो कल है, कल था 8 तारीख को भी दतिया में राजेंद्र भारती जी, घनश्याम सिंह जी, जीतू पटवारी जी वहां पर भी प्रदर्शन कर रहे थे। वहां जो पीड़ित वर्ग है उनकी आवाज को बुलंद कर रहे थे। और आज 4th दिन लगातार हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, डॉक्टर गोविंद सिंह जी की आवाज अकेली नहीं है, लाहौर के और लाहौर विधानसभा के अंतर्गत भिंड जिले के अंतर्गत एक एक पीड़ित व्यक्ति जिस पर नाजायज केसबाजी की हो, जिसको प्रताड़ित किया हो, जिसको परेशान किया हो, जिसके साथ शोषण किया हो, ऐसे एक एक व्यक्ति की आवाज बुलंद करने के लिए आज यहाँ पर ये जंगी प्रदर्शन किया गया है। आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना होगी, आखिरी भाषण के बाद हम सब कंधे से कंधा मिलाकर भिंड जिले में, भिंड जिले मुख्यालय पर पहुंचकर कलेक्ट्रेट घेराव करेंगे और कलेक्टर से उत्तर मांगेंगे कि आखिर वो भी इतना
नंगा नाच क्यों कर रहा है, इतना बड़ा गुलाम क्यों बन गया है। और वैसे भी जब डॉक्टर गोविंद सिंह जी तय कर देते हैं तो अधिकारियों को वहीं से उठ जाते हैं। तो मैं आप सबसे यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि हम सब आज मिलकर सिर्फ डॉक्टर गोविंद सिंह जी के लिए नहीं बल्कि भाजपा के अत्याचार से जो एक एक व्यक्ति परेशान है, प्रताड़ित है, उन सब की आवाज को आज हम बुलंद करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। उसका दो मंजिल तीन मंजिल मकान बना हुआ समीर घोष कर दिया बिना नोटिस दिए, बिना नोटिस दिए। क्या ये विचार नहीं आता? और आता था यहां तक आ गए कि गोविंद सिंह जी को परेशान करो। गोविंद सिंह जी मैं कह चुका हूं कि वो सोशलिस्ट विचारधारा से राजनीति में आया, राजा साहब को मालूम है, ये तो कांग्रेस में लेके आए थे उनको, सोशलिस्ट विचारधारा के व्यक्ति में जमीन पे लड़ाई लड़ने वाले हैं, मजलूमों की लड़ाई लड़ने वाले, गलत जगह उन्होंने काटा। आज जो मौका दिया है, मैं किसको धन्यवाद दूं? भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को मैं किसको धन्यवाद दूं? भिंड के कलेक्टर को मैं किसको धन्यवाद दूं? भिंड के सम्मानित एसपी को। अगर आप ये शुल्क नहीं ढालते, अगर आप ये गैर कानूनी कदम नहीं उठाते, तो आज हमारे परिवार के कांग्रेस के लोग यहां इकट्ठे नहीं होते। आज हमारे नेताओं के कानों में भी चुभ रहे थे कि भोपाल में बैठकर भी क्या जुल्म हो रहे हैं, क्या जाति हो रही है। और इस वातावरण में मैंने तो कहा, मेरे 34-35 साल के राजनीतिक जीवन में 1990 में से लेकर आज तक किसी राजनेता को इतना जलील नहीं किया गया, इतना टॉर्चर नहीं किया गया। गोविंद सिंह जी का मकान अगर सार्वजनिक जमीन में है तो बेधड़क तोड़ दो, लेकिन बेइज्जत करना, 200-250 पुलिस वाले घर में भेज देना, 95 साल की मां अंदर है गोविंद सिंह की, बहू अंदर है, और पुलिस भेज के इतने बड़े नेता के घर में उसको जलील करना, और हमारा बैठे देखते रहे। जिस दिन मुझे एक घटना मालूम पड़ी, मैंने डॉक्टर साहब को फोन किया और मैंने ये कहा अपने तरफ से, मैंने कहा इसको सहन करने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा बिना जातवाद के राजनीति करता हूं और मेरा जीवन ऐसे ही रहा है। भिंड जब इस तरफ जा रहा था कि जातवाद की तरफ जा रहा था, तब मैंने डॉक्टर गोविंद सिंह जी को फोन करके ये कहा कि इसमें हमें खुल के आना चाहिए, पत्रकार वार्ता करना चाहिए, क्योंकि आने वाली भविष्य के लिए हम दूषित वातावरण कर रहे हैं अगर यहां जातवाद का जहर घोल दिया गया। उस पर आगे बढ़ के हम लोगों ने काम किया। एक मकान गोविंद सिंह जी का टूटे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक कार्यकर्ता भी अगर गलत तरीके से जेल में जाएगा, अपराधी बना दिया जाएगा, हमारे साथ कौन एजेंट करेगा? भिंड में राजनीति करने में राजा साहब, राजगढ़ और पुणे और इंदौर में राजनीति करने में जमीन आसमान का अंतर है। हम लोग एजेंट कैसे बना पाते हैं, नाम है हमसे पूछिए। अगर सिकरी में डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने ब्राह्मण एजेंट बनाया और उसको हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी भोपाल में, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही उस पर 307 का कायम कर दिया गया। ये इस बात का द्योतक है कि अगर हमने जुर्म सहा, अगर हम संघर्ष नहीं करेंगे, अगर हम इनको मुंह तोड़ जवाब नहीं देंगे, तो ये लोग और हावी हो जाएंगे और कार्यकर्ता हमारा हतोत्साहित हो जाएगा। जीतू पटवारी साहब, मैंने आपसे एक दिन और कहा था भोपाल में, अब आवश्यकता इस बात की, अगर मध्य प्रदेश में ग्वालियर चंबल संभाग में कोई भी कार्यकर्ता के ऊपर गलत केस लगाया जाता है, तो आपको 8 घंटे के अंदर उसके सामने खड़ा होना चाहिए जनता के बीच में। जनता को जागृत करने की जरूरत है, जनता चाहती है, जनता के मन में है। गोविंद सिंह जी की एक आवाज के लोग आ गए हैं पूरे ग्वालियर चंबल संभाग से, इसलिए सब हमने चाहते हैं। आवश्यकता यह है कि आप लोगों की सरपरस्ती, आप लोगों का नेतृत्व हमारे ऊपर होना चाहिए। और गबन सुकाज कठिन जगमायू राजा साहब, आज तो उस शख्सियत के धनी हो, आपके लिए जीवन में कौन सा काम कठिन है,
और अब आप हमारे जान मत दो कांग्रेस के, और आपके पीछे पूरी सेना है। आप फिर से एक बार भरोसा करिए, आगे आइए। मैं आपसे भोपाल कह के आया हूँ, आदरणीय राहुल भैया से कह रहा हूँ कि जीरो जान के साथ पूरे ग्वालियर और चंबल से महान है, ईट से ईट बजा देंगे, कार्यकर्ता के साथ खड़े रहेंगे, चेले चिल्ला मेरे चेल खड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस के लिए संघर्ष करेंगे। मैं इस बातों के साथ कि आपके अंदर ये लौ जगी है वो जगी रहे, और एक गोविंद सिंह नहीं अगर छोटा सा भी कार्यकर्ता कांग्रेस का परेशान होगा तो हम सब लोग उसके साथ खड़े होंगे। आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। जय हिंद। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी आज भिंड जिले के दौरे पर थे। वह आज लहार में बीजेपी सरकार के दमन एवं अत्याचार के खिलाफ विशाल जंगी प्रदर्शन में सम्मिलित होने आए थे। उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह सहित कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेतागण मुख्य रूप से उपस्थित थे। भिंड के लहार में आयोजित इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह फूट फूट कर रोने लगे। कहा, सरकार हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ जुल्म ढा रही है। पार्टी के नेताओं से कहा, जिन लोगों ने कांग्रेस के लिए खून पसीना बहाया है उन्हें जेल न जाने दें। गोविंद सिंह ने कहा, भाजपा सरकार और स्थानीय विधायक के इशारे पर एसपी कलेक्टर एवं उनके अधिकारी चुन चुन कर हमारे कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने नरसिंहनेट घोटाले, किसानों की समस्या और दमनकारी नीतियों के खिलाफ राज्य सरकार पर निशाना साधा। कहा, मुख्यमंत्री बदले की भावना से काम कर रहे हैं। वही पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैं मध्य प्रदेश के उन सभी व्यक्तियों को सचेत कर देना चाहता हूं जो सरकारी खजाने से पैसे लेते हैं और संविधान के विरुद्ध और नियम व कानून के विरुद्ध काम करते हैं। मैं ऐसे लोगों के खिलाफ नीचे से ऊपर तक लड़ाई लड़ूंगा। पीसीसी सुप्रीमो पटवारी बोले कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष आदरणीय गोविंद सिंह जी ने जी जान से एक सच्चे जनसेवक के रूप में अपने लहार की सेवा की है। यहाँ की जनता को 2023 में हुई गलती का एहसास भी है, क्योंकि गोविंद सिंह जी और यहाँ की जनता के बीच पारिवारिक रिश्ता है। लेकिन वर्तमान विधायक और बीजेपी सरकार गोविंद सिंह जी के साथ बदले की राजनीति कर रही है, कई प्रकार के षड्यंत्र रच रही है जो स्तरहीन राजनीति को दर्शाता है।